अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं यहाँ पे हॉक्स बे पे, और हॉक्स बे के आने की वजह ये है कि भाई यहाँ पे समंदर तो चढ़ा हुआ है। अगर मेरा कैमरामैन आपको जूम करके थोड़ा दिखाए तो ये समंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो समंदर है, हुकूमत की तरफ से कोई जारी करता है SOPs नहीं बताई गई, और अगर बताई भी गई तो उस पर अवामुन नास ने अमल नहीं किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फैमिलीज़ भी आई हुई हैं और बाकायदा हट्स भी बुक किए गए हैं। तो आखिर यहाँ पे अगर कोई डूब सकता है या कुछ हो सकता है, अभी तक कोई रेस्क्यू एहलकार नज़र नहीं आया। थोड़ी देर पहले यहाँ पे रेस्क्यू एहलकार भी थे और हर चीज़ थी, वाज़े रहे कि अपनी हिफाजत आप लोगों ने खुद करनी है, क्योंकि समंदर इतना चढ़ा हुआ है कि यहाँ तक पानी आ रहा है। कैमरामैन जाहिद के साथ मुनीब, प्रोग्राम होस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एक फैमिली, हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मुझे बताइएगा कि आप यहाँ पे क्यों आए और आखिर आपको डर नहीं लगता समंदर से? भाई गर्मी बहुत पड़ रही थी कुछ दिनों से, तो हमने सोचा कि चलें आप फैमिली को लेके निकलते हैं, तो हम यहाँ पे आए। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? यार समंदर तो चढ़ा हुआ है, जैसे पहले गर्मी चढ़ी हुई थी वैसी समंदर चढ़ा हुआ है, तो बस इसी चक्कर में हम आ गए। खेलना कूलना था यहाँ पर, लेकिन अभी इस तरह के हालात नहीं है कि यहाँ पर कोई बंदा जो है वो स्पोर्ट्स कर सके या कोई गेमिंग कर सके, तो बस हवा का मज़ा ले रहे हैं ठंडी, और फैमिली के साथ टाइम गुजार रहे हैं। और हुकूमत की तरफ से कोई, आपको क्या लगता है कि कोई ऐलान किया गया कि दफ़ा 144 जो लगी थी उसके बारे में आप क्या कहेंगे? दफ़ा 144 जब लगाई थी तो मेरा ख्याल है उस वक्त बिपर जो है, जो स्टॉर्म था वो बहुत पाकिस्तान के करीब था। अब उसके जो असरात हैं वो कम होना स्टार्ट हो गए, तो लेट्स होप के इन्वायरमेंट अच्छा रहे यहाँ पर और फैमिलीज आना स्टार्ट हो सके, क्योंकि कराची में आपको पता है वैसे तो बहुत सारी कोई इन्जॉयमेंट्स के सैर व तफरी की जगह नहीं है, तो हम यही समंदर होता है जहाँ पे लोग आके रिलैक्स हो सकते हैं, अपना स्ट्रेस कम कर सकते हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ अच्छा जो है वो टाइम गुजार सकते हैं, तो बस इसीलिए। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि अवामुन नास का यही कहना था कि यहाँ आती है आवाम अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, डिप्रेशन को कम करने के लिए, और आवाम का ये भी कहना था कि ये जो बीपर जो है आया था उससे हिफाजती तदाबीर ये हुई कि यहाँ पे सिर्फ जो है वो बीपर जो है से, मतलब जब ये आया था समंदर के अंदर तुगियानी और ये तूफ़ान वगैरह, तो उस वक्त दिफा 144 लगी हुई थी, लेकिन आवाम ने ये भी बताया, हमारे साथ रहिएगा, आवाम ने ये भी बताया है कि यहाँ अपनी हिफाजत खुद करनी है आप लोगों ने। कैमरामैन वाहिद के साथ मुनीब, प्रोग्राम होस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।